वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीरियड साइकिल जब मिस हो जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों के बाद करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रेगनेंसी को लेकर कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग 100% कंफर्म हो जाएं कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, फीमेल्स के दो टाइप के पीरियड साइकिल होते हैं। पहला रेगुलर पीरियड साइकिल। रेगुलर पीरियड साइकिल मतलब कि फीमेल्स को पता होता है कि उनको पीरियड्स कौन सी डेट को आएंगे और कौन सी डेट को ख़त्म होंगे। इरेगुलर पीरियड साइकिल में फीमेल्स को कोई भी आइडिया नहीं रहता कि पीरियड्स कब आएंगे, कब ख़त्म होंगे। तो जिन भी फीमेल्स का रेगुलर पीरियड साइकिल होता है, उन्हें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब उनकी पीरियड साइकिल की डेट मिस हो जाए तो उसके 5 दिन के बाद कभी भी अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड साइकिल की डेट जब मिस हुई है उससे पहले करते हो, तो फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं ना, फीमेल्स हार्मोन जिनसे पीरियड आते हैं, उनके बदलाव के कारण भी आपको फेक पॉजिटिव या फेक नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा है इरेगुलर पीरियड साइकिल वालों के लिए, जिनको कोई आइडिया नहीं रहता कि उनको पीरियड्स कब आएंगे और कब ख़त्म होंगे। तो जिस दिन भी आपको लग रहा है कि आपने कंसीव या मतलब कि जिस भी तारीख को आपको लगा कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है, उस तारीख से 21 दिन के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप उससे पहले करोगे तो कन्फर्म नहीं होगा, और 21 दिन के बाद अगर आप टेस्ट कर रहे हो और आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, तो 100% कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। बारी बारी टेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने 21 दिन के बाद टेस्ट किया, नेगेटिव रिजल्ट आया, तो कोई और परेशानी होगी पीरियड्स ना आने की, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव है, तो पीरियड्स ना आने का कारण कोई और रीजन होगा, उसके लिए आप नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो या मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी आपसे यही एडवाइस है कि देखिए, एक तो होम रेमेडीज को लेना बंद कीजिएगा, दूसरी बात ये है कि सेल्फ मेडिकेशन को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपकी मतलब मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी एज है, बॉडी वेट है, जो पास्ट की हिस्ट्री है, कई बार थायराइड में फ्लैक्चुएशंस के कारण, या फिर जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं उनमें फ्लैक्चुएशंस के कारण, या कई बार लोगों को पता नहीं होता और वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मिसयूज़ कर लेते हैं, या यहाँ वहाँ से वो जो है होम रेमडीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो भाई इन सभी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का कारण भी बनते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।